जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने श्री रामलला की जन्मभूमि के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव ने माँ जानकी जी की जन्मभूमि के लिए भी बिहार में एक जन आंदोलन चलाया। यहाँ मिथिला के काफी लोग उपस्थित हैं, हमारे प्रमोद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग हैं। जानकी जी की जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि के लिए पूज्य गुरुदेव ने बिहार सरकार से 150 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए और आज वहाँ पर दिव्यता और भव्यता के साथ जानकी जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ गीता दीदी उपस्थित हैं। एक बार नीतीश कुमार जी ने गुरुदेव को अपने आवास पर आमंत्रित किया और गुरुदेव को प्रसाद पवाया, तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि नीतीश जी, जब किसी गृहस्थ के यहाँ सन्यासी जाकर के भोजन करता है या प्रसाद लेता है तो दक्षिणा देनी पड़ती है। नीतीश जी जेब में हाथ डालने लगे, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं जगत गुरु हूँ, सामान्य दक्षिणा नहीं लूँगा, पूरे देश में रामनवमी की छुट्टी होती है, सीता जी मेरी बहू हैं, इस नाते बिहार में कल ही कैबिनेट बुलाकर जानकी नवमी की छुट्टी घोषित करिए। और दूसरे ही दिन नीतीश नवमी की छुट्टी घोषित कराने का श्रेय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान को जाता है। प्रतिवर्ष जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव रामनवमी की कथा चित्रकूट करते हैं, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं करते, उसी प्रकार जानकी नवमी पूज्य गुरुदेव पुनौरा मिथिला में करते हैं। और यहाँ पर जो मिथिला के लोग हैं वो सब जानते हैं पूज्य गुरुदेव का के राघव परिवार के हमारे बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। गीता दीदी, आज भी जब गुरुदेव मिथिला जाते हैं तो वहाँ की महिलाएं आज भी गुरुदेव के भोजन के समय गारी देती हैं और करोड़ों लोग तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से उस वीडियो को लोगों ने देखा होगा कि ये करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा आज भी चली आ रही है, क्योंकि ऐसे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से उन भावों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की लेखनी को माध्यम बना करके पूज्य गुरुदेव अपने भावों के माध्यम से हम सबको राम जी के चरण, सीता राम जी के चरणों के प्रति प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव का जो भाव है वह राघवेंद्र सरकार को पुत्र भाव से और माँ जानकी जी को पुत्र वधु भाव से मानते हैं। इसी नाते देश भर में बहुत सारे मंदिर होंगे, लेकिन श्री चित्रकूट में, चित्रकूट बिहारी बिहारी जी का जो स्थान है तुलसी पीठ में, वहाँ जानकी जी अपने सिर पर पल्लू रखती हैं, क्योंकि वहाँ वह पुत्र वधु के रूप में विराजमान हैं। आप कभी चित्रकूट आएँ तो दर्शन अवश्य करें।